नमस्कार, मैं हूं सीमा संजय और आप देख रहे हैं मेरे साथ जिले का सबसे तेजी से बढ़ता वेब चैनल जांजगीर एक्सप्रेस 07। आज हम आपको लेके चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। समाचार देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। अमोरा में बरगद के पेड़ के नीचे लगी सीएम बघेल की चौपाल, लोगों की समस्याओं का किया समाधान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज एक दिवसीय दौरे पर जांजगीर चांपा जिले के विकास खंड नवागढ़ के ग्राम अमोरा पहुंचे हैं, जहां पर सीएम भूपेश के हेलीकॉप्टर से उतरते ही अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने गांव के ही एक बरगद पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों से चर्चा की और उनकी समस्याएं सुनी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमोरा में नवनिर्मित गोठान का अवलोकन किया, साथ ही ग्रामीणों के साथ परिसर में पौधारोपण भी किया। जानकारी के मुताबिक सीएम बघेल आदर्श गोठान के लोकार्पण के साथ 128 लोगों को वन अधिकार पट्टा प्रदान करेंगे। यहां आदर्श गोठान का निर्माण 400 मवेशियों के लिए 3 एकड़ में किया जा रहा है। गोठान के समीप चारागाह, मवेशियों के लिए मचान में पैरा, सोलर पंप से पानी की व्यवस्था, छांव के लिए शेड, जैविक खाद तैयार करने के लिए आदर्श घुरवा का निर्माण किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर द्वारा अमोरा गांव से प्रस्थान कर बिलासपुर पहुंचेंगे। यहां सर्किट हाउस में 4 बजे तक का समय आरक्षित है। इसके बाद मुख्यमंत्री बिलासपुर के भतराई में अपराह्न 4 बजे से 5 बजे तक 9वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शाम 6 से 7 बजे तक लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम बिलासपुर में आयोजित कबीर जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगी। तत्पश्चात सीएम बघेल शाम 7 बजे सड़क मार्ग से बिलासपुर से रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। किसान मन के हित में फैसला ले रहा भाजपा वाला मन के पेट में पीड़ा होगी, वो मन से खजाना खाली होगी, छत्तीसगढ़ दिवालिया हो कर देगा। फिर हमें कमीशन खोली नहीं कर रहा तो नहीं ला रहा, छत्तीसगढ़ 18 साल 15 साल लुटे खजाना खाली कर दे, मैं किसान मन लगे तो छत्तीसगढ़ दिवालिया होगी। और तेना मरेगा मजदूरी पैसा ले गए तो सब दिवालिया नहीं हुए, चीट फंड कंपनी पैसा मतलब गला के भाग के तब दिवालिया नहीं हुई। केम है आज लाल धल्ले बिजली पर आंदोलन करो, आप री माफी नहीं हुए तेकर पर आंदोलन करो, कहा कहा बिजली की आधा हो है हुए कि नहीं हुए। देखते यहाँ पर काफी पास केंद्र स्वीकृत करे गए और धान खरीदी केंद्र खोले के बाद गए, और तीसरा मुरपार मोरा निर्माण मार्ग, और चौथा राम सागर तालाब सौंदर्यीकरण निर्माण करे ये चारों तरफ पांचों तरफ मांग के घोषणा में कर रहा था, और मांग तो गाँव का करे कि सब मांग पूरा नहीं किया जा सके, ये चारों पांच काम स्वीकृत करे के घोषणा।